आज का प्रातः क्लास है 27 अगस्त 1995। बाप याद दिलाते हैं बच्चे किसके सामने बैठे हैं। जरूर बुद्धि में चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे। बल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। ब्रह्मा के तन में है तो ब्रह्मा के तन में याद करना है या उनको याद करना है। उनको कहा तो दूर हो गया, ब्रह्मा के तन में होते हुए भी इनको याद नहीं करना है, उनको याद करना है। ये दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के तन में है तो इनको याद करना है, उनको याद करना है। इसका मतलब वो पार्ट अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, पार्ट आगे चलने वाला है जो पतित पावन है, सब पतितों को पावन बनाने वाला है। मनुष्य कोई सर्व की सदगति नहीं कर सकते, मनुष्य में और भगवान में क्या अंतर बताया? मननाथ मनुष्य है, जिसका मन चलता है वो मनुष्य है, जिसका मन चलायमान नहीं है, जो अमन है, मन को पूरा कंट्रोल करने वाला है, वो भगवान है। अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निराकार है, निराकारी स्टेज वाला है, तो न साकार का मंथन चलेगा न आकार में चलेगा, वो तो निराकारी ही होगा। और निराकारी होगा तो निर्विकारी होगा, उसको भगवान कहा जाता है। कोई सर्व का सदगति दाता है, मनुष्य कोई भी सर्व की सदगति नहीं कर सकता, क्योंकि मन ही दुर्गति को पाया हुआ है। मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि 11 इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियों में मन प्रधान है। 11 इंद्रियां अगर पतित हैं, मन पतित है, पतन की ओर जाने वाला है, तो दूसरों को पावन कैसे बनाएगा? बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। और हम सब आत्माओं का बाप हुआ है, वो बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाए रहे हैं। मनुष्य स्वर्ग का मालिक नहीं बनाए रहे हैं, मनुष्य सब देहाभिमानी है, देहधारी है, देह में बुद्धि धरी रहती है,
ये तो भगवान ही है जो साई स्थिति वाला है। साई स्थिति में सदा रहने वाला सदाशिव कहा जाता है। वो सदाशिव ही जब इस पति शक्ति पर आते हैं तो पतित मनुष्यों को पावन बना करके स्वर्गवासी देवता बनाते। ये उनकी सदाकाल की स्वस्थिति का कमाल है। ये बच्चों को जानना चाहिए। क्या बात जाननी चाहिए कि स्वस्थिति से होता है स्वर्ग और पर चिंतन से होता है नरक। स्व है आत्मा और पर है पांच तत्वों वाला शरीर। तो बच्चों को जानना चाहिए और खुशी भी होनी चाहिए कि अभी हमें बाप स्वर्गवासी बनाने आए हैं। ये भी बच्चे ही जानते हैं कि हम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं और हमको बहुत सहज रास्ता मिल रहा है। साधु संत सन्यासियों ने तो कठिन रास्ता बताया। योग के नाम पर देह की प्रक्रियाएं सिखाई, श्वास प्रश्वास को रोकना करना सिखाया। अभी बाप तो हमको बहुत सहज रास्ता बताते हैं। अपन को आत्मा समझ मुझे परम पिता परमात्मा को याद करो। तो सिर्फ ये याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच रखनी है कि हमारे में दैवी गुण आए हैं। इसलिए नारद का मिसाल भी दिया जाता है। सामने आरती रख दिया कि अपनी जांच करे कि मैं मंदिर लायक हूं या बंदर हूं। ये सब दृष्टांत ज्ञान सागर बाप ने दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वो सब दृष्टांत बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं, प्रैक्टिकल की बात नहीं है। यहाँ तो प्रैक्टिकल की बातें हैं। कछुए का दृष्टांत, सर्प का दृष्टांत, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे, परंतु न कुछ प्रैक्टिकल कछुए जैसा कर सकेंगे न सर्प का कर सकेंगे कर, और न भ्रमरी का दृष्टांत देने योग्य है। ये तो तुम्हारे ऊपर लागू होने वाली बातें हैं। भ्रमरी मिसल तुम ज्ञान की भू भू करके औरों को आप समान बनाती हो। विष्टा के कीड़ों को आप समान बनाकर फिर बाप समान बनाती हो। सर्प का मिसाल भी तुम्हारा है। जैसे वो सर्प है अपनी कैचुल त्यागता है, नई कैचुल धारण करता है, चार पांच बार अपने जीवन में कैचुल त्यागता है, तुम भी पहले अपनी आत्मा की देह अभिमान की कैचुल त्यागते हो। चार बार शूटिंग होती है,
रिहर्सल होती है। चौथी बार में तुम जाकर प्राप्ति करते हो। जैसे सांप होता है कैंचुल त्यागता है तो अंधा हो जाता है, अंतिम स्टेज की बात है। अंतिम चौथी स्टेज में सब आत्माएं जर्जरी भूत तमो प्रधान बन जाती है। तुम ही कछुए में चला अपने इंद्रियों को समेट लेते हो, इंद्रियां अपने कार्य व्यवहार कर न सके। याद करते करते तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाती है। तो तुम्हारा है प्रैक्टिकल काम, उनका है पास्ट की बातें सुनाना। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता चला आता है। भक्ति मार्ग में प्रैक्टिकल तो कुछ भी होता नहीं। बल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है कि उनका जन्म कैसे होता है। तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गया है, अभी तुम समझते जाते हो। बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो। पहले शिक्षाओं को धारण करना पड़े, खुद भी पावन बनते हो और पतितों को भी पावन बनाने का रास्ता बताते हो। ये है तुम्हारी मुख्य सर्विस, ये रूहानी सेवा है। पावन बनना और पतितों को पावन बनने का रास्ता बताना। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना होता है। जब तक अपन को आत्मा न समझे तब तक पतित से पावन बन न सके। तुम भी आत्मा हो, आत्मा का किसी को भी पता नहीं है। इतनी छोटी आत्मा, देखो एक छोटी सी बूंद से कितना बड़ा शरीर बनता है। जैसे इतने छोटे बीज से झाड़ कितना बड़ा निकलता है, तो ये आत्मा भी अति सूक्ष्म है और इसमें जन्म जन्मांतर का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जब समय होता है आत्मा अमुक अमुक शरीर में आकर के अमुक अमुक पार्ट बजाती है। तो घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझना चाहिए। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। वो परम पिता भी है, परम टीचर भी है। परम पिता किसे कहा जाता है? परम माना बड़े से बड़ा, जिससे बड़ा कोई हो न सके। वो सबका पिता है लेकिन उसका कोई पिता नहीं है। भारत की परंपरा में कौन सा देवता है? 35 करोड़ देवताओं में से एक ही देवता है जिसका कोई बाप नहीं कहा जाता, कोई सहकारी बाप नहीं। कहते हैं देव देव महादेव, वो परम पिता परम टीचर भी है।
सब को पढ़ाई पढ़ाने वाला है, परंतु उसको पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। तो ये बातें हरदम बच्चों को याद रहनी चाहिए, इसलिए याद रहनी चाहिए। ये परम पिता, परम टीचर, परम सदगुरु की बातें किस लिए याद रहनी चाहिए? हरदम याद रहेगी तो कोई और मनुष्य गुरु के चक्करी में नहीं आवेंगे, क्योंकि बुद्धि में बैठा हुआ है। यही हमारा परम टीचर है, परम सदगुरु है, परम पिता है। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब हमको वापस जाना है, बिना सामने खड़ा हुआ है। ये बिना सामने किस लिए खड़ा है? तो भगवान आते हैं, नई सड़क की दुनिया बनाते हैं, तो दुनिया छोटी होगी या बड़ी होगी? स्वर्ग में कई स्थिति में रहने वाली आत्माएं थोड़ी होंगी या ढेर की ढेर होंगी? कई स्थिति का सब पुरुषार्थ नहीं करेंगे। जो आत्म की स्थिति में पक्के होंगे वो ही स्वर्ग में जावेंगे। आत्म की स्थिति में कच्चापन रह जाएगा तो उनके जन्म कम हो जाएंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बिना सामने खड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि जो भी आत्म की स्थिति का पक्का पुरुषार्थ न करने वाली आत्मा है, वो सब विनाश में काल के गाल में बैठ जा रही। वो आत्माएं परमधाम वासी बन जाएंगी और तुम स्वयं स्थिति में पक्के होने के कारण स्वर्गवासी देवता बन जाएंगे। इसलिए सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है। अगर इतनी बड़ी दुनिया का विनाश न हो तो छोटा परिवार, सुखी परिवार कैसे बनेगा? कलयुग में तो देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेकानेक धर्म हैं, अनेक मते हैं, तो आपस में टकराहट होती रहती है। सत्युग में तो ये कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो है ही सत्य का युग, झूठ का नाम निशान नहीं। सत्य एक ही होता है, असत्य अनेक प्रकार के होते हैं। तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी है, क्योंकि ये पढ़ाई है ना। तो पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं, हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब नहीं, शास्त्रों आदि की बात ही नहीं। इसमें तो एक ही बात है और एक ही पढ़ाई है। ये चित्र आदि होते हैं, उनकी अपनी पढ़ाई, अपनी भाषा चलती है। यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज था, तो इस स्टाम्प में भी राजा रानी के समय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। सत्ताईस आठ पचानवे की वाणी का दूसरा पेज। आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी हो करके गए हैं, उनकी भी स्टाम्प बनाते रहते हैं।
अब कहाँ भक्त और कहाँ राजा रानी, तो द्वैतवाद फैल गया ना। इंद्र लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो एक ही चित्र महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं, नहीं, पुराने से पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट टू शिव है लक्ष्मी नारायण। बाद में जो लक्ष्मी नारायण सतयुग में आते हैं वो कम कलाओं वाले होंगे, इसलिए उनको नेक्स्ट टू गॉड नहीं कह सकते। ये बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने के लिए। सतयुग में भी जो फर्स्ट डायनेस्टी होती है लक्ष्मी नारायण की, वो ही ऊंचे से ऊंचे राजा हैं दुनिया के। ये बिल्कुल नई पढ़ाई है, तुमने ये पढ़ाई सुनी थी और पद पाया था और कोई इन बातों को जानते नहीं। तुमको राजयोग परम पिता परमात्मा सिखाए रहे, और ये महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है सो आगे चल करके देखेंगे। कोई क्या कहते रहते, कोई क्या कहते रहते, दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाएगा। कहते भी हैं वर्ल्ड वार लग जाएगी, उस वर्ल्ड वार लगने से पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई करने से पहले अपनी पक्की कमाई करनी है। पढ़ाई से ही कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है, बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? शास्त्रों में तो असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, राम रावण संप्रदाय दिखाया है, कौरव पांडव संप्रदाय दिखाया है, देवासुर संग्राम दिखाया है, परंतु बाप कहते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि असुर होते हैं कलयुग की दुनिया में और देवताएं होते हैं छोटी सी सतयुग की दुनिया में। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर के नंबरवार देवी संप्रदाय बनते हो। इस समय संस्कारों की टकराहट हो सकती है, बाकी सतयुग में देवी देवताओं और राक्षसों की लड़ाई की बात नहीं है। इसलिए तुम इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर वन दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो, अपवित्र बने तब से पाप करना शुरू हुआ। देवताएं तो पवित्र थे। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, परम आत्मा,
महात्मा आत्मा ही इन कर्म इंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। अभी ही आर नो इविल, ये पढ़ाई भी आत्मा को पढ़ाई जाती है। आत्मा ही कानों से सुनती है, बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, तुम किसको कहा जाता है? वह आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले नहीं थे, तुम ही थे। तुम कहा जाता है सन्मुख बैठे पढ़ाई पढ़ने वालों को, तुम चक्कर खा करके आए हो, अब फिर से तुमको वही देवता बनना है। ये मीठी स्मृति आने से तुमको पवित्र बनने की हिम्मत आ जाती है कि हम हैं ऊंचे से ऊंचे घराने के। द्वैतवादी युग में आने से हम संघ के रंग में आने से नीचे से नीचे बन गए, अब हमें फिर से ऊंचे बनना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमने कैसे 84 का पाठ बजाया? उन ब्राह्मणों ने 84 का पाठ नहीं बजाया है, क्यों? क्योंकि वह ब्राह्मण है दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे, पांचवें, आठवें नंबर के नारायण के फॉलोअर, उनकी बातों में आ जाते हैं। तुम तो हो ऊंच से ऊंच की औलाद, तुमने 84 का पाठ बजाया है। उनके कम जन्म होते हैं, 83 होंगे, 82 होंगे, और भी कम होंगे। तुम तो पूरे 84 जन्म लेने वाले, पक्की आत्मा का पाठ बजाने वाले हो। तो बुद्धि में आना चाहिए, पहले पहले हम यह थे, ये कहानी है ना, तो बुद्धि में आना चाहिए 5000 वर्ष पहले हम 100 देवता थे, उन लक्ष्मी नारायण के राज्य में यथा राजा तथा प्रजा सब 16 कला संपूर्ण थे। हम आत्मा ही मूल वतन की रहने वाली है, पहले पहले हम ही मूल वतन में जाते हैं, फिर सुखधाम में आते हैं। तो मूल वतन हम आत्माओं का घर है, वहां से हम आते हैं पाठ बजाने। पहले पहले हम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। तुम ईश्वरी औलाद बने हो, क्योंकि ईश्वर बाप किसमें आया हुआ है? जिस मुकर रथ में आया हुआ है वही फर्स्ट नारायण बनता है। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं, उन ब्राह्मणों को ये शिक्षा नहीं मिलती है, न वो बाप के सन्मुख आकर के बैठ पड़ते हैं। ये सुप्रीम बाप है,
सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है, और एक ही पर्सनालिटी के द्वारा बाप टीचर सदगुरु है। उनका तो बाप अलग होता है, माँ अलग होती है, टीचर अलग होता है, तुम्हारा तो एक ही रूप में सारे संबंध अनुदे हुए हैं। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को बेस्ट श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर के राजी करेंगी। तो ये चक्र है ना, इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र। ज्ञान की बात है, कोई शस्त्र की बात नहीं है। बाप कहते हैं तुम्हारा ये सुदर्शन चक्र रुकना ही नहीं चाहिए, सदैव स्वात्मा का 84 के चक्र में दर्शन करते रहना चाहिए। ये तो सुदर्शन चक्र फिरते रहने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, और तुम इस रावण पर जीत पालेंगे, पाप मिट जाएंगे। अभी स्मृति आई है इन बातों का स्मरण करने के लिए। ऐसे नहीं कि माला बैठ स्मरण करनी है, नहीं, माला रूपी संगठन जिन ब्राह्मण आत्माओं का बनता है, उन नजदीकी आत्माओं के माला रूपी मणके को हम जानते हैं। उनके 84 के चक्र से कनेक्शन हमारा है, तो बुद्धि में एक एक की स्मृति बैठ जाती है। जैसे बाप आते हैं तो मुख्य मुख्य पाठधारियों की जीवन कहानी बताते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता, द्वापर में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट कैसे आकर के पाठ बजाते हैं। तो ये माला बैठे स्मरण करनी है, आत्मा में ये ज्ञान है जो तुम बच्चों को, भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी बाप के मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। तुम आत्मा ही अपने 84 जन्म के चक्र को पूरा जानती हो। वो तो पूरे 84 जन्म लेते ही नहीं तो पूरा चक्कर काटते ही नहीं, तो तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। तुम विष्णु की औलाद हो, ये ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको बागवान भी कहा जाता है। नई दुनिया का कितना अच्छा बगीचा लगाते हैं। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवताएं बन रहे हो, ये सारा दिन स्मरण करते रहो तो तुम्हारा बहुत कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करना है, पवित्र भी बनना है, परंतु सन्यासियों में चल नहीं। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो।
ये तुम्हारी पक्की सच्ची पवित्रता का यादगार है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। ऐसा धर्म और कोई दुनिया में नहीं होता जो स्त्री पुरुष इकट्ठे रह करके पवित्र रहते हो। निवृत्ति मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते हैं जो घरघाट छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे पवित्र रहे, ये हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। बाप याद दिलाते हैं कि सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वो लोग लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं, ओम नमो नारायण भी कहते हैं। सत्ताईस आठ पचानवे वाणी का तीसरा पेज। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते। पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके देवता बनाते। शूद्र से ब्राह्मण किसके द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मा द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं और फिर उन नंबरवार ब्राह्मणों को जो नौकरी वाले ब्राह्मण होते हैं उनको शिक्षा दे करके देवता बनाते। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 का जन्म का ज्ञान है, बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। मैं आकर के बताता हूं, ऐसी बात और कोई मनुष्य नहीं कह सकता। बाप आकर अभी ही तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते। अभी तुम आत्माएं पवित्र बन रही हो। यहां तुम्हारे शरीर तो पवित्र नहीं बन सकते, आत्मा की पढ़ाई पढ़ते हो तो रूहानी पढ़ाई से रूह पवित्र बनेगी या जिस्म पवित्र बनेगा? आत्मा की पढ़ाई से आत्मा पवित्र बनती है। आत्मा माने मन बुद्धि। मन बुद्धि में जो स्वप्न संकल्प और संस्कार हैं, उनकी शुद्धि हो जाती है। जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो आत्मा को चोला भी पवित्र चाहिए। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगे तो ये देहवान भरे हुए चोले की स्मृति को छोड़ देंगे। तो पुराने पतित चोले को जो जो बुद्धि से छोड़ते जाएंगे, जिनका लगाव अटैचमेंट देह देह के संबंधियों से टूटता जाएगा, उनका शरीर भी पवित्र बन जाएगा। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है। ऐसे नहीं कि उस पवित्र दुनिया में सिर्फ पवित्र आत्माएं ही होंगी, पवित्र शरीर भी होंगे, पांच तत्व भी पवित्र बन जाएंगे। तुम्हारे संगठित योग बल से सारी प्रकृति पावन बन जाती है।
तुम नई दुनिया में चले जावेंगे, बाकी सब स्विच होम में चले जावेंगे। ये बात भी याद रखनी चाहिए। क्या और धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाले हैं, उनको ये बात याद नहीं आवेगी क्या कि जीते जी शरीर के साथ ही हम स्वर्ग में जावेंगे? तुम्हारी बुद्धि में तो आता है कि देह रूपी नैया और इस देह में बिठैया जो आत्मा है, उन दोनों का खेवैया एक बाप आया हुआ है, वो हमारी नैया को भी पार ले जावेगा। दूसरे धर्म वालों के मुआफिक हमारी नैया डूबेगी नहीं, पार जावेगी, और आत्मा भी पार जावेगी। फिर भी बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर आनी चाहिए, क्योंकि पहले तो हमें घर वापस जाना है, घर में ही बाप को याद करना है। ये मधुबनी भी आबू अब्बा का घर है। बल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुनाए रहे हैं। परंतु बुद्धि परम राम स्वीट होम से टूटने नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़ करके आते हैं तुमको पढ़ाने के लिए, पढ़ा करके फिर बहुत दूर चले जाते हैं। उस सेकंड में कहां भी चले जा सकते हैं। आत्मा देखो कितनी छोटी बिंदी है, तो वंडर खाना चाहिए। एक सेकंड में आत्मा कहां से कहां चली जाती है। बाप ने आकर के आत्मा का भी ज्ञान दिया, ये भी तुम जानते हो कि स्वर्ग में कोई भी गंदी चीज नहीं होती है। ऐसी कोई गंदी चीज नहीं होती जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हो जावे। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाई सिखाते हैं, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, उन कपड़ों को कभी धोने की भी दरकार नहीं होगी, वहां कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। यहाँ तो सारी कुदरत में प्रदूषण ही प्रदूषण भरा पड़ा है। इनको देख करके कितनी खुशी होनी चाहिए, इनको इन्हें लक्ष्मी नारायण को देख करके कितनी खुशी होनी चाहिए। इनके कितने भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। आत्मा जानती है कि भविष्य की जन्म तक हम यह सुंदर बनेंगे, बस देखते ही रहना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सबके पास होना चाहिए। इसमें बड़ी खुशी चाहिए हमको, बाबा ये बनाते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य ही है नरसे नारायण नारी से लक्ष्मी बनना। ऐसे ऊंचे ऊंचे लक्ष्मी नारायण बनाने वाले ऊंचे ऊंचे बाबा के हम बच्चे हैं, फिर हम रोते क्यों हैं? हमको तो रोने करने आदि की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर के महिमा गाते हैं, सर्वण संपन्न सोला कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको कहते हैं अच्युतम केशवम
ढेर सारे नाम बोल देते हैं कि ही श्लोक में। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई है जो याद करते आते हैं, परंतु ये शास्त्रों में किसने लिखा है? कहते हैं व्यास ने लिखा या कोई नए नए गुरु आते होंगे, वो भी शास्त्र बनाते रहते होंगे। ये गुरु ग्रंथ साहब आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, अभी तो कितना बड़ा बनाई दिया है। जरूर इसमें एडिशन किया होगा। अब गुरु नानक तो आते ही धर्म की स्थापना करने, वो कोई राजधानी स्थापन करके तो जाते नहीं है। राजधानी स्थापन करने वाला और साथ साथ धर्म की स्थापना करने वाला तो एक ही बाप है, जो असली ज्ञान देने वाला है। क्राइस्ट भी सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। रिलीजियो पॉलिटिकल दुनिया बनाने के लिए नहीं आते हैं। बाप आकर के राजधानी भी स्थापन करते हैं और धर्म की भी स्थापना करते हैं। जब सब धर्म आ जाते हैं तो सब वापस जावेंगे। उन सबको घर भेजने वाला कौन है? क्या क्राइस्ट है? नहीं, वो क्राइस्ट तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है, क्योंकि वो भी सतो रजो तमो में आते हैं। इस समय सब तमो प्रधान है। जो बाप तो है ही सत्य चित्त आनंद, वो कभी तमो प्रधान नहीं बनता और सबकी जड़ी भूत अवस्था होती है। पुनः जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। अभी सबको वापस जरूर जाना है, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सत्युग में था। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, ऐसे नहीं ज्ञान सुनाकर ब्रह्मा में चले जाते हैं। पर धर्म की स्थापना अपने आप होती रहती है और राजधानी की स्थापना अपने आप होती रहती है। नहीं, दोनों काम बाप ही आकर के करते हैं। फिर विनाश भी होना है, पहले स्थापना, फिर असत धर्मों का विनाश, फिर पालना। सत्युग में तो एक ही धर्म होगा, वो है ही सत्य का युग। सत्य एक ही होता है, असत्य के अनेक रूप होते हैं। रावण है असत्य तो 10 मुखों वाला है, राम है सत्य तो 1 मुख वाला दिखाया जाता है। इसका मतलब है रावण 10 मुखों से 10 प्रकार की बातें करता है, झूठी झूठी बातें, एक के ऊपर दूसरा झूठ, झूठ दूसरे के ऊपर तीसरा झूठ, झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सत्य की रत्ती नहीं। और बाप आकर एक ही सत्य बात सुनाते हैं, एक ही सत्य युग की स्थापना करते हैं। तो तुमको ये स्मृति आती है ना, सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा करके घर वापस जा रहे हैं।
तुम बोलते चालते सदा संकट आ रही हो। वो ब्राह्मण कहते हैं कि कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी था। उसने सुदर्शन चक्र घुमाकर सब असुरों को मारा। अकासुर बकासुर आदि के चित्र भी दिखाए हैं, परंतु ये चित्र तो अभी के चरित्र की यादगार है। अकासुर अटके फूल की तरह दुर्गंध छोड़ते रहते हैं, बाप की और बाप के बच्चों की गिलानी करते रहते हैं। बकासुर बगुले की तरह पार्ट बजाने वाले, जैसे बगुला पानी में एक टांग से खड़ा हो जाता है, देखने में आता है बहुत तपस्वी है, और जैसे ही मछली सामने आती है गड़प कर लेता है, फिर एक टांग पर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही ये ज्ञान की बकबक करने वाले हैं, इनके प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान धारण नहीं हो पाता। ऐसे ही ब्राह्मण फिर कहते हैं कि कृष्ण जी सुदर्शन चक्रधारी था। परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनकर के रहना है, क्योंकि सुदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, तुम्हारा आसुरीपना खत्म होता है, तुमको बार बार अपने श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृति आती है, तुमको पता चल जाता है कि कोई असुरों और देवताओं की लड़ाई नहीं हुई है, ये तो हमारे ही आसुरी संस्कार और दैवी संस्कार, ये अंतर्मन की लड़ाई है। असुर होते हैं कलयुग में और देवताएं होते हैं सतयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो, घड़ी घड़ी कलयुगी संकल्पों में चले जाते हो। जब बाप की स्मृति आती है, श्रीमत पर चलते हो, तो अपने को सतयुग का महसूस करते हो। 27.8.95 की वाणी का चौथा पेज। ये बीच में संगम युग है, ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के, इनमें ज्ञान का नाम निशान नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है और वो सब के लिए है, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बना करके वापस नहीं ले जा सकती। हाँ, पाठ जरूर सबको बजाना है। तो अभी अपने 84 के चक्र को याद करना है। हम अभी सतयुग की नई जन्म में जाते हैं, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलेगा। पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, ये दो बाबाएं हैं। एक है बड़ा बाबा और एक है छोटा बाबा। बड़ा बाबा है निराकार, फिर ब्रह्मा बाबा है साकार। उस साकारी स्टेज में रहने वाला, वो निराकारी स्टेज में रहने वाला, इसको कहेंगे लौकिक और वो है पारलौकिक। ये फिर है अलौकिक बाबा। इस समय की ही बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तो तुम बच्चे उस शिव बाबा को स्मरण करते रहो,
तो ब्रह्मा को नहीं, ब्रह्मा के मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, परंतु वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। ये शरीरधारी ब्रह्मा पूजा के लायक नहीं है, ये तो मनुष्य है। मनुष्य कोई भी पतित पावन हो न सके, सब देहधारी है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाए जाते, मंदिरों में पूजा नहीं होती, पूजा करने के लिए मूर्तियां नहीं बनाई जाती, मनुष्य की पूजा होती ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो सभी को मालूम पड़े कि यहाँ ऐसे दुनिया का है। देवताओं को तो दाढ़ी होती नहीं है, तो पवित्र होते हैं। तो ये सब बातें बच्चों को समझाई है। तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंचे से ऊंचे है, नाम रख दिया है सोमनाथ। सोम कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा। तो जरूर सोम चंद्रमा ब्रह्मा को कभी नाथा होगा। शिव के मंदिर में कौन सा जानवर दिखाते हैं? बैल दिखाते हैं। बैल पर सवारी किसकी दिखाते हैं? शंकर की सवारी दिखाते हैं। तो जरूर कभी छलांग लगाकर चढ़ाई करी होगी। कहते हैं ना हाई जंप लगाई। तो सोमनाथ का मंदिर ऊंचे से ऊंचे है। सोमरस पिलाया फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू तुम्हारा यादगार बना हुआ है। प्रैक्टिकल में तुमने ऐसी संगठित होकर के तपस्या की होगी माउंट आबू में, तो तुम्हारा ये प्रैक्टिकल यादगार आज भी बना हुआ है। इसलिए बाप भी कहते हैं तुम बच्चे परमधाम को इस धरती पर उतार लेंगे। परमधाम अर्थात निराकारी स्टेज वालों का संगठन, जहाँ कोई भी किसी का संकल्प नहीं चलेगा। भले दुनिया में ताबड़ तोड़ विनाश होता रहे, तुम अपनी सही स्थिति में टिके रहेंगे। दुनिया हाय हाय करके मरती रहेगी, शरीर छोड़ती रहेगी, और तुम दिलवाड़ा मंदिर की प्रैक्टिकल स्टेज में रहेंगे। ये हूबहू यादगार है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में स्वर्ग बनाए दिया है। जब तुम निरंतर ऊंची स्टेज में पहुंच जाते हो, प्रैक्टिस पक्की हो जाती है, तो तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए? नीचे का अर्थ है नीची स्टेज, जहाँ तपस्या करनी पड़ती है, और ऊंचे का अर्थ है ऊंची स्टेज, जहाँ तपस्या भी
स्थायी हो जाती है, हम सब आत्मिक स्थिति वाले बन जाते हैं। तो स्वर्ग ऊपर छत में बनाई दिया है देलवाड़ा मंदिर में, बनाने वाले कोई ये बातें नहीं समझते। बड़े बड़े करोड़पति हैं, उन्हों को ये समझाना है। जो आज दिलवाड़ा मंदिर के ट्रस्टी हैं, तुमको अभी ज्ञान मिला हुआ है तो ये दिलवाड़ा मंदिर का ज्ञान तुम बहुतों को दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते।